Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Systems Limited, Lucky Cement, DG Cement and Chirat Cement. Let's start. First of all, we are going to discuss Systems Limited. System Limited currently एक sideways behavior में move कर रहे below the descending trend line of the lower expanding channel. और प्राइस जो है करंटली जो है एक स्लाइटर मोड के साथ अपसाइड मूव में है. और अगर हम विक्स को देखें तो विक्स में जो है इंडिकेशन यही है कि प्राइस जैसे ही अपसाइड मूव करती है तो इसमें कुछ सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता है. तो मोस्ट लाइकली प्राइस जब तक अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो ट्रेड कर रही है 457.15 रुपये से, यहाँ से हम एक ड्रॉप फेस कर सकते हैं टुवर्ड्स दी फर्स्ट ऑफ ऑल 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 435.45 रुपये. अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो देन फर्दर जो है कंसोलिडेशन के बाद एक्सटेंड करेगी अपनी लॉसेस को टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि करंटली 420.30 रुपये की रीडिंग आ रही है. ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साइडवेज बिहेवियर है और साइडलाइन रहना चाहिए. अग्रेसिव सेलर्स कैन अडॉप्ट सेल ऑन स्टैंड स्ट्रेटजी विद दिस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 457.15 रुपये की रीडिंग आ रही है. तो स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए ABC स्ट्रक्चर जो है प्राइस का उसको कंप्लीट करने के लिए प्राइस को एक ड्रॉप चाहिए जो कि अपने इस लेवल को जो है लोअर साइड पे ब्रेक करें अराउंड 427 रुपी. इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है या रीटेस्ट ऑफ 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 420.30 रुपये है, यहाँ से दोबारा अगर प्राइस शार्पली रिवर्स होती है और कंसोलिडेशन करती है तो देन जो है फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं. तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग के बाइंग से जो है अवॉइड करना चाहिए और आगे चल के अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है 200 सिंपल मूविंग एवरेज को तो इस एरिया में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है. फ्लिप साइड पे जो है सेल ऑन स्टैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दी 457.15 रुपी. और लोअर साइड मूवमेंट में जो है इनिशियली प्राइस जो है एक पेनिट्रेशन अगर करती है 438 रुपये से बिलो तो ये एक फर्स्ट सपोर्ट है. उसके बाद 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 435 रुपये, इससे बिलो अगर पेनिट्रेट करना शुरू करती है प्राइस तो देन प्राइस ट्रैक करेगी टुवर्ड्स दी 429 रुपी एंड देन 420.30 रुपी. और अगर प्राइस ग्रेजुअली इसी तरह मूव करती है अपसाइड पे और अपसाइड पे जो है 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अबव ग्रेजुअली मूव करना शुरू करती है 457.15 रुपये से तो देन जो है आगे चल के 464 का एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करेगा. अगर ग्रेजुअल मूव अपसाइड होती है तो देन अगेन हम प्राइस में ड्रॉप देख सकते हैं. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग के जो प्राइस ने ये टॉप पोस्ट किया था इससे बिलो जो जितनी भी प्राइस मूवमेंट हो रही है ये मोस्ट लाइकली के एक माइनर डिग्री वेव भी चल रही है और वेव सी की कंप्लीशन पे जो है हम इसमें एक बुलिश स्टांस जो है अडॉप्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट स्टॉक है जी लक्की सीमेंट. तो लक्की सीमेंट को अगर हम देखते हैं ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर में तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ मूव कर रहा है और करंटली प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में है और मोस्ट लाइकली ये कंसोलिडेशन कर रहा है अपनी शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव 580.83 रुपये और प्राइस को एक ब्रेकआउट रिक्वायर है अबव दी 581 रुपी. इससे अबव अगर ब्रेकआउट करके प्राइस कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं हम प्राइस में. ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ दी 576 रुपी. और जूम आउट करके अगर हम देखते हैं तो करंटली प्राइस इज कंसोलिडेटिंग अबव दी 127.2% फिप एक्सटेंशन ऑफ दी फ्रॉम द लो पोस्टेड बाय द प्राइस अराउंड
390 रुपये 11 पैसे और अपसाइड पे जो प्राइस ने अपनी एक रैली इनिशिएट की थी, प्रीवियस इम्पल्स का जो एक्सटेंशन है वो इम्पल्सिव मूव जो है वो जाके एंड हुई थी 541 रुपये पे। तो इस सारी मूव की एक्सटेंशन जो है आगे चल के 127.2% जो है 582 रुपये पे है, इसी के अराउंड प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। और ओवरऑल पैटर्न सुजेस्टिंग के प्राइस जो है एक अपसाइड के लिए कंसोलिडेशन में है और अपसाइड मूवमेंट में जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशन 576 रुपये है। और प्राइस अगर ब्रेकआउट कर लेती है अराउंड द 581 रुपी, इससे अबव प्राइस अगर मूव करना शुरू करती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 600 रुपी एंड 609.45। और इस एरिया में अगर फर्दर कंसोलिडेशन करती है प्राइस तो हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 620 एंड 634.25 जो कि 161.8% एक्सटेंशन लेवल है ऑफ द प्रीवियस असेंट। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, अपॉर्चुनिटी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द 576 रुपी। और इनवर्स के सिनेरियो अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो 576 तो देन जो है एक स्ट्रांग डिमांड एरिया इन कन्फ्लुएंस विद द असेंडिंग ट्रेंड लाइन और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 564 रुपये 67 पैसे की रीडिंग आ रही है, ये एक स्ट्रांग डिमांड एरिया हो सकता है प्राइस के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है डीजी सीमेंट। डीजी सीमेंट जो है एक अपने असेंडिंग चैनल में चल रहा है और टॉप से एक रिजेक्शन फेस करने के बाद जो है प्राइस ने ड्रॉप लिया। करंटली प्राइस एक स्लोली मूव कर रही है अपसाइड पे जो कि मिनी 8 डिग्री वेव भी इंडिकेट करती है और ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी है। तो आज का सेशन कुछ पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है विद अ न्यू हाई ऑफ द प्रीवियस रेंज। तो यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है अराउंड 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 54.35 से बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करती है तो देन जो है हम प्राइस में एक ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और मीन वाइल जो है 53.15 रुपये एक्सपोर्ट लेवल है और 52.35 का एक स्पोर्ट लेवल है। इस एरिया में जो है प्राइस एक स्ट्रांग डिमांड क्रिएट करेगी तो इस एरिया का वेट करना चाहिए लोअर साइड पे 52.35 का फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। और करंटली एग्रेसिव सेलर्स कैन अडॉप्ट सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द टॉप, ये एक कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल है। और एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये अराउंड 57 रुपी जो है नज़र आता है। तो 57 रुपी के स्टॉप से जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। और लोअर साइड पे 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 54.33 का ब्रेक जो है वो प्राइस को फर्दर ट्रैक करेगा टुवर्ड्स दी 52.35 का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है चिराट सीमेंट। और चिराट सीमेंट भी डीजी सीमेंट की तरह जो है एक चैनल में मूव कर रहा है और इस चैनल में जो है अपने टॉप से रिजेक्शन ली है इसने करंटली। और लोअर साइड पे अगर आरएसई को देखें जो मोमेंटम है तो मोमेंटम ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल जोन में है और यहाँ पे एक पिनट फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट की है प्राइस ने। और बिलो द 8 डे एक्सपोनेंशियल एंड 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोजिंग है प्राइस की जो कि इंडिकेट करती है प्राइस में फर्दर ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 125 एंड देन जो है ये एक प्रीवियस इसने प्राइस ने एक अपना लो पोस्ट किया था अराउंड 123.50 के लेवल। और इसी एरिया में जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है, ये एक डिमांड एरिया हो सकता है। यहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्ट बैक हो सकती है और यहाँ से इनवर्स के सिनेरियो अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है बिलो दी 123 रुपी देन फर्दर ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी असेंडिंग चैनल अप लोअर ट्रेंड लाइन और यहाँ से प्राइस दोबारा एक अपसाइड मूव कर सकती है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वेट करना चाहिए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के टेस्ट का और इससे बिलो अगर पेनिट्रेशन होती है तो 121-120 का जोन जो है ये डिमांड एरिया हो सकता है। करंटली अग्रेसिव सेलर्स कैन अडॉप्ट सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 130 रुपी। और अपसाइड मूवमेंट अगर इसी तरह ग्रेजुअल होती है तो ग्रेजुअल अपसाइड मूव इंडिकेट करती है कि प्राइस अगेन एक ड्रॉप ले सकती है। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।